सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने इसी टॉपिक यानी जो राइज ऑफ हिंदुत्व फैसिज्म का पार्ट टू आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले पार्ट वन में मैंने आपके सामने फैसिज्म क्या है इसका एक डेफिनेशन दिया था। वो आप लोग अगर जानना चाहते हैं वापस जो वीडियो है पुराना वीडियो उसको वापस से देख लीजिए। आज मैं जो है सेकंड टॉपिक लेके आ रहा हूँ पार्ट टू, उसमें जो है ये हिंदुत्व फैसिज्म जो है जिसके बारे में हम डिटेल सेशन करेंगे, ये क्या इसका ओरिजिन कहाँ कब से हुआ, इस चीज के बारे में मैं आज आपके सामने बात करूंगा। जैसा आप जानते हैं ये जो हिंदुत्व फैसिज्म हमारे मुल्क के अंदर आज बहुत ही गर्व के साथ लोग कह रहे हैं, लेकिन एक जमाने में एक रोग आइडियोलॉजी, रोग आइडियोलॉजी मतलब कोई भी इसके साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ऐसे लोग हुकूमत कर रहे हैं जो बचपन से इस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं। इस वजह से आज इसको मेन स्ट्रीम किया गया है, हिंदुत्व आज इंडिया के अंदर मेन स्ट्रीम हो गया है। इसकी आप शुरुआत अगर आप देखेंगे तो उसको हमको समझना होगा कि ये फैसिज्म जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था उस फैसिज्म के साथ इसको लिंक करके देखिए। आप फैसिज्म का मैंने एक्सप्लेनेशन जो दिया था जिसमें एक एक ग्रुप जो है अपने आप को सुपीरियर समझती है एक रेस को, इंडिया के अंदर भी अगर आप देखेंगे बहुत हजारों साल पहले यहाँ पर भी हम देखते हैं ऐसा एक सिस्टम यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था जिस सिस्टम के मुताबिक जो है लोगों के बीच में ऐसा एक तफरीक पैदा किया था कि पैदाइश से ही एक स्पेसिफिक ग्रुप को जो है हुकूमत का हक है, सारे पावर्स उनके पास रहेंगे, उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, सबसे ऊंचे वो हैं। इस तरीके का एक सिस्टम यहाँ पर बनाया गया था। वो सिस्टम को जो हम कहते हैं मनुस्मृति कहते हैं, मनुवाद कहते हैं। मनुस्मृति एक किताब लिखी गई जिसके अंदर रूल्स बताया गया था कि किस तरीके से सोसाइटी रहेगा। उसमें उन्होंने चार वर्ण बनाए थे, उसमें सबसे जो नीचे वर्ण के लोग हैं उनको सारे उनके कुछ भी हुकूक नहीं होते, और सारे हुकूक जो हैं वो सबसे ऊपर रहने वाले जो एक वर्ण को होंगे या उसके बाद के जो वर्ण को होंगे। तो ये जो एक मनुवाद मनुस्मृति है ये अगर आप देखेंगे ये सबसे पुराना एक फैसिस्ट कल्चर हम देखते हैं पूरे दुनिया में। अगर हम देखेंगे ये मनुवाद है जिसको अभी हम ब्राह्मणवाद भी कहते हैं। यहाँ पर एक क्लैरिटी चाहिए, जैसा बाबा साहब अंबेडकर ने किया है, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क होता है। ब्राह्मण जो है कम्युनिटी है, लेकिन ब्राह्मणवाद जो है वो एक आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी जो है जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, ये आइडियोलॉजी जो है ब्राह्मणिज्म जिसको अंबेडकर कहते थे, ये जो है इंडिया का जो बेसिक मूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक मूल सिद्धांत है, जैसे सेक्युलर फ्रीडम है या फिर फ्रटर्निटी है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, इसका कंप्लीट अपोजिट ये ब्राह्मणिज्म है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस तरीके से एक डेफिनेशन दिया था। इसका मतलब ये नहीं है किसी एक ग्रुप या किसी एक कास्ट के लोगों के हक को क्वेश्चन करना, वो नहीं है इसका, बल्कि एक माइंडसेट, एक कल्चर है जो समझता है कि एक फला एक लोग गुलाम बनने के लिए ही पैदा हुए और उन्हें गुलाम ही रहना है, उन्हें कोई हक नहीं रहना है, ये ब्राह्मणिज्म है। तो ये जो फैसिज्म का जो मैंने पिछले बार आपको डेफिनेशन दिया था, अगर आप उसके साथ कंपेयर करेंगे यही चीज आपको ब्राह्मणिज्म में नजर आता है। और इसको बहुत सालों से इंप्लीमेंट इंडिया के अंदर किया गया। इंडिया में जो SC ST ट्राइबल्स जो लोग हैं जो इस वर्ण सिस्टम में नहीं आते उन पर बहुत ज्यादा हम देखते हैं जुल्म होता है, और जुल्म को डॉक्यूमेंटेड जुल्म है। ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि एक जगह दो जगह हुआ, बल्कि हम देखते हैं यूनिफॉर्मिटी है, क्योंकि जो लॉ है जो मनुस्मृति का जो एक कानून बनाया गया था उसमें ये जो जुल्म है ये डॉक्यूमेंटेड था कि ऐसा करना चाहिए कि अगर कोई वेद सुने उसके कानों के अंदर तेल डाल दो, अगर कोई श्लोक बोल दे मुंह के अंदर उसका मुख के अंदर चल गरम तेल डाल दो, ये पूरा कानून थे। उनको शहरों से अलग रखो, शहरों में आने मत दो, मंदिरों में एंट्री मत दो, उनके लिए कुएं अलग बना दो, वो शहर के और सिटीज के बाहर वो रहना है। इस तरीके का एक पूरी तरीके से एक रेशियल सुप्रीमेसी का एक डॉक्यूमेंटेड सिस्टम हम देखते हैं मनुवाद और ब्राह्मणवाद या जो मनुइज्म है या फिर ब्राह्मणिज्म के थ्रू लाया गया था। ये एक पहले से चला आ रहा था और ये कभी भी खत्म नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि यहाँ पर 800 साल इस्लामिक फैमिलीज का हुकूमत थी, लेकिन लेकिन वो इस्लामिक फैमिलीज की हुकूमत के वक्त भी इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। और अगर आप देखेंगे ये बड़े बहुत सारे मुसलमान हुक्मरान आए, लेकिन सारे मुस्लिम हुक्मरानों के वक्त पर भी एक भी पर्शियन जबान पर इस जो इनइक्वालिटी चल रहा है, ये जो कास्ट सिस्टम चल रहा है, इसके बारे में उन्होंने किताबें नहीं पब्लिश की गई थी।
मुस्लिम रूल के टाइम पर भी जो है ये जो ब्राह्मणिज्म के लोग थे, ये जो ये जहन के लोग थे, वो लोग उस वक्त भी बहुत एंजॉयमेंट में थे, क्योंकि वो सारे बड़े बड़े पोस्ट में वो लोग ही थे, उनको पूरी तरीके से सारी आजादी मुस्लिम हुकूमत के वक्त भी मिली थी। अंग्रेजों के वक्त भी हम देखते हैं कि वही कंटिन्यू हुआ था। तो ये ब्राह्मणिज्म इसी तरीके से चला आ रहा था, कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं था। उनका जो एक सोशल स्ट्रक्चर पर जो एक सुपेरियॉरिटी थी, वो सुपेरियॉरिटी को वो लोग मेंटेन कर रहे थे। लेकिन 1850 के बाद हम देखते हैं मुल्क के अंदर जो है बहुत सारे, स्पेशली SC ST कम्युनिटीज के अंदर बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स आए थे, जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जो है ये कास्ट हेगेमोनी को चैलेंज करना शुरू कर दिए थे। हम देखते हैं कि दलितों के अंदर बहुत सारे मूवमेंट्स आने लगे, बड़े बड़े लीडर जैसे महात्मा फुले, अलग अलग ऐसे लीडर्स आने लगे जो ये ब्राह्मणिज्म को क्वेश्चन करना शुरू कर दिए। और उस वक्त जो है ये ब्राह्मणिज्म ने ये बात समझ लिया कि अभी आगे हम लोग अपने आप को मनुवादी या फिर ब्राह्मणिस्ट कहेंगे तो नहीं होगा, अभी हम लोगों को धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं कि हिंदुइज्म को उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट किया, ताकि लोग ये जो ब्राह्मणवाद है या मनुवाद है इसके बारे में सोचना बंद करें, और लोगों का पूरा डाइवर्शन जो है ये दूसरे धर्म के लोगों से लड़ने पे लग जाए। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं कि ये एक कॉन्सेप्ट जो जमाने से चला आ रहा था उसको उन्होंने रीडिफाइन करते आ गए अलग अलग नाम से। और आखिरकार हम देखते हैं 1920 यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के वक्त हम देखते हैं, तब एक शख्स था जिसको फादर ऑफ हिंदुत्व कहते हैं, जिसने ये टर्मिनोलॉजी को भी कॉइन किया, सावरकर जिसका नाम है। उसके बारे में हम जानते हैं आज, तो सावरकर का मतलब ही है माफी मांगना, क्योंकि उसको जब अंडमान में डाला गया था पता नहीं कितनी बार उसने बीजेपी के सॉरी ब्रिटिश के लोगों को उसने मसी पिटीशन भेजे कि मुझे माफ कर दो, मैं आपका हमेशा एकदम लॉयल रहूंगा, वफादार रहूंगा, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, मैं सोशल एक्टिविज्म छोड़ दूंगा, मैं हमेशा आपकी हक में काम करूंगा, ऐसा कहने वाला एक शख्स जो था, जिसको जिसने माफी मांग 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 के फाइनली उसकी माफी को अंग्रेजों ने और उसकी वफादारी को मानकर अंग्रेजों ने उसे पूना में, पुणे के एक जेल में रखा। उसने वहां पर एक किताब लिखी जिसको हम कहते हैं कि जो हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू करके उसने किताब लिखी। उस किताब में उसने हिंदुत्व को डिफाइन किया और सिमिलर तरीके से डिफाइन किया जिस तरीके से मसोलिनी इटली में डिफाइन कर रहा था, या फिर जो जिस तरीके से जर्मनी के अंदर हम देखते हैं कि एक ये मुल्क जो है, मुल्क सिर्फ एक कम्युनिटी का हो सकता है। उसने वहां पर कहा कि ऐसी कम्युनिटी जो बाहर से आए जैसे मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये कभी भी इस मुल्क के नहीं हो सकते, क्योंकि इस मुल्क के प्रति, इस मुल्क के लिए उनके पास एक स्पिरिचुअल अटैचमेंट नहीं है। उनके जो धार्मिक जगह है वो इंडिया में नहीं है, बाहर है, मक्का में या बैतलहम में, जरूसलम में, इसलिए उनको इस मुल्क के साथ एक लगाव नहीं होगा, इसलिए लोग कभी भी इस मुल्क का हिस्सा ठीक से नहीं बन सकते, ये कहने वाला एक शख्स सावरकर है। और जो टू नेशन थियोरी की बात कर रहे थे, जिसके बारे में आगे जाके मुस्लिम लीग ने उसका रेजोल्यूशन पास किया और डिमांड किया, मुस्लिम लीग से कम 14 साल पहले, मुस्लिम लीग डिमांड करने से पहले अहमदाबाद में जो हिंदू महासभा जिसका प्रेसिडेंट सावरकर था, वहां पर ये रेजोल्यूशन पास किया गया था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग नेशन है। तो जो टू नेशन थियोरी की जो बात थी, ये टू नेशन थियोरी लाया भी था इसी सावरकर ने। तो ये एक हिंदुत्व कॉन्सेप्ट को लोग लेके आए। देखिए एक बात यहाँ पर आप सोचिए, अगर इनको हिंदू धर्म से इतनी मोहब्बत थी तो ये लोग और एक हिंदुत्व को नहीं लेके आते थे। और असल बात ये थी कि सावरकर खुद एक नास्तिक था, वो धर्म को नहीं मानता था, उसने धर्म का इस्तेमाल किया। और पूरे दुनिया में आप देखिए जितने भी बड़े बड़े फैसिस्ट गुजरे हैं, ये लोग नास्तिक ही होते हैं। अब जो ज़ायोनिस्ट मूवमेंट जो इसराइल में है, जिसकी वजह से इसराइल बनाया गया, फिलिस्तीनियों को उनके घरों से भगाया गया, ज़ायोनिज्म के जो शुरुआती लीडर थे वो लोग भी यहूदी धर्म को नहीं मानते थे, वो लोग नास्तिक थे, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किया। उसी तरीके से हिंदुत्व की बात करने वाला सावरकर भी नास्तिक था, लेकिन उसने हिंदू धर्म का इस्तेमाल किया लोगों के अंदर उसने नफरत पैदा करने के लिए। और ये हिंदुत्व में एक दुश्मन दिखाना जरूरी था, इसलिए उन्होंने दुश्मन दिखाया मुसलमान, कम्युनिस्ट और क्रिश्चियन। ये लोग बाहर के लोग हैं, ये देश के साथ इनका कोई लगाव नहीं, इसलिए ये लोग दुश्मन है। जैसे मैंने मेरे कल के क्लास में बताया था कि फैसिज्म के लिए एक दुश्मन जरूरी है, और हिंदुत्व फैसिज्म ने मुसलमानों को अपना दुश्मन बनाया। और ये हिंदुत्व फैसिज्म ने क्या किया कि पूरे के पूरे जो देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, जब सुभाष चंद्र बोस वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए आईएनए बना रहे थे, यही सावरकर कह रहा था, हिंदुओं को अपील कर रहा था कि आप लोग ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करो, आप लोग ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करो और इसके और उनसे लड़ो।
यानी जो INA के लोग ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनसे लड़ो। यानी आज जो इसको बड़ा देशभक्त कह रहे हैं, ये इसका देश के लिए कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, उल्टा ब्रिटिश आर्मी में लोगों को ज्वाइन करने का इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है। तो ऐसा एक आइडियोलॉजी जो पूरी तरीके से एक क्या कह सकते हैं कि एक एंटी ह्यूमन आइडियोलॉजी, वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, इसको सावरकर ने शुरू किया था। और आगे जाकर हम देखते हैं कि इस आइडियोलॉजी को लेकर चंद दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस बने, जैसे RSS जैसे ऑर्गेनाइजेशन बना, हिंदू महासभा बना। उसके बारे में मैं कल के क्लास में आपके सामने डिटेल कहूंगा कि इसका जो ऑर्गेनाइज हिंदुत्व का शुरुआत कैसे हुआ। तो आज इतनी बातें आपके सामने रखी थी। आपके जो कमेंट्स हैं, वो फीडबैक्स हैं जो कमेंट्स में दीजिए, और इसके बारे में और कुछ आपको क्लैरिटी चाहिए, आप लोग आपके फीडबैक में दे सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं क्लैरिटी दूं। शुक्रिया।